आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चार प्लेयर्स के नाम सामने आए हैं। इन चार खिलाड़ियों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर है, जिसमें से सूर्य कुमार यादव का नाम भी सामने आया हुआ है। सूर्य कुमार यादव टी20 में नंबर वन के बल्लेबाज हैं। भारत के इस स्टार खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने 2023 के साल में भारत के लिए टी20 क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सूर्य कुमार ने 17 पारियों में 48.86 की औसत से 155.95 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बना डाले हैं। वहीं अगर हम इन चारों खिलाड़ियों की बात करें तो इन चारों खिलाड़ियों के नाम कुछ इस तरीके से हैं। टी20 के नंबर वन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ साथ जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, साथ ही साथ युगांडा के अल्पेश रमजानी और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन के साथ आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने 2023 साल में 11 पारियों में 51.50 की औसत से 150 के स्ट्राइक रेट से 515 रन बनाए हैं। वहीं इसी दौरान सिकंदर रजा ने 14.88 की औसत से 6.57 की इकोनॉमी से 17 विकेट्स भी लिए हुए हैं। साथ ही साथ युगांडा के अल्पेश ने भी सभी को चौंकाते हुए टी20 मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर में अपनी जगह बनाई हुई है। युगांडा के अल्पेश रमजानी के दमदार प्रदर्शन के चलते टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। जिम्बाब्वे को हराने में रमजानी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा केन्या के खिलाफ 3 ओवर में 12 रन देकर के 2 विकेट भी चटकाए थे। रमजानी ने इस साल 8.98 की औसत से 4.77 की इकोनॉमी से 55 विकेट्स भी लिए हुए हैं। वहीं अगर हम मार्क चैपमैन जो कि न्यूजीलैंड के उनके धाकड़ खिलाड़ी की बात करें तो मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड के लिए बल्ले से जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 145.54 के स्ट्राइक रेट से 50.54 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए नंबर 4 और नंबर 5 पर न्यूजीलैंड के लिए अहम पारियां खेली हुई हैं। चैपमैन ने 19 पारियों में 44.3 की औसत से 141.87 के स्ट्राइक रेट से 576 रन बना दिए हैं। वेल गाइस, क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।